आज नशा मुक्ति दिवस के मौके पर सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एस के सिंघल के नेतृत्व में सभी पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मियों ने नशा मुक्ति का शपथ लिया। संजीव कुमार सिंघल अपना अपना नाम पढ़ेंगे। पुलिस महानिदेशक बिहार, आज दिनांक 26/11/2021 को पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा, मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूँ अथवा ना रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि संवत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियम अनुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। जय हिंद। वहीं इस मौके पर डीजीपी ने कहा, देखिए शराबबंदी के कानून को लागू करने के लिए पुलिस विभाग का एक एक पदाधिकारी एक एक कर्मी कटिबद्ध है। शराबबंदी लागू करने के लिए उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम पूरे समाज में निकले हैं। हम लोग पूरी ताकत लगाकर शराबबंदी को हर हालत में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन शराबबंदी के साथ साथ कुछ ये भी प्रवृत्ति देखी जा रही है कि लोग ड्रग्स की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। इसलिए समेकित तौर पर शराबबंदी के साथ साथ नशा की जो उन्मुक्ति है उसके लिए भी अनुपालन के लिए हम सभी पुलिसकर्मी पदाधिकारी कटिबद्ध हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे किसी भी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी की किसी प्रकार की अगर संलिप्तता प्रकाश में आएगी उसे सीधा सेवा से निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर। सवाल ये उठता है, कई बार सर शपथ ग्रहण करवाया गया लेकिन अभी भी पुलिसकर्मी ही इन्वॉल्व पाए जाते हैं। देखिए ये आपकी जर्नलाइज स्टेटमेंट है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि हमारा इतना बड़ा महकमा है और उसमें कुछ जो लोग हैं वो गलत गलत गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे, लेकिन हमारा सबका फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों की पहचान करके उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करें और इसके साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को पुलिस के साथ साथ समाज के लोगों को भी इन्वॉल्व करके इस पूरे अभियान में सबके सहयोग के साथ इसको इम्प्लीमेंट करें। सर एक अंतिम सवाल है सर कि बिहार में जिस तरह से अभी अपराध बढ़ गया है, ऐसे में कहा जा रहा है कि सारी पुलिसकर्मी है वो शराब ढूंढने में लगी हुई है और अपराध का लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा पूरी तरह नियंत्रण में है। अपराध की जो आप बात कह रहे हैं आप बिल्कुल वेग सवाल हाइपोथेटिकल सवाल कर रहे हैं, मैं आप सबको इसका डेटा उपलब्ध करवा दूंगा क्योंकि डेटा के आधार पर ही ये सब बातें कहनी उचित होती हैं। हमारे अपराध में भी कमी आई है और हमारा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी तक वो डेटा हम आपको दे चुके हैं कुछ दिन पहले।